और हम डायरेक्ट किचन में आ चुके हैं। आज हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब थी और आज जन्माष्टमी है तो इनका थोड़ा मेकअप में टाइम लगा। और ये देखिए मेकअप किए थे, बिंदी मेरे हाथ पे लगा है, ये देखिए। कोई आज इनका मेकअप किया, आज हम ब्लॉग नहीं बना पाए, इसकी तबीयत बड़ी खराब है और ये परेशान बहुत कर रहा है, ये बहुत रो रहा है। ये देखिए लेटर मांग रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं। कब आए शाम को खाना बनाने की, किचन में मार चुके, सब्जी रोटी बनाएंगे, जा रहे हैं घुइया और आलू उबालेंगे, घुइया आलू की सब्जी रहेगी सूखी और रोटी। ये देखिए इतना परेशान कर, इसकी भी तबीयत नहीं सही है, सर्दी जुकाम भी है और फीवर भी है, हाथ चोट लगी है, उसका ड्रेसिंग अभी हम घर पे किए हैं क्योंकि हॉस्पिटल बच्चों को लेने जाने वाला और बहुत भीड़ चल रही है, वहीं से इनकी तबीयत भी खराब हो गई, लेके दो दिन तीन दिन गए थे। चलिए हम खाना खा लिया, क्या हाथों को बढ़ा दे, चलिए फिर दादी शाम का चाय भी नहीं पिए, चाय पी ले सर में दर्द हो रहा है, पूरे टाइम कान पर रो रहा है तो मेरा मन भी नहीं लग रहा, कहीं परेशान कर रहा है। बहुत परेशान क्या, आपको चक्कर आ रही है, मेरी भी तबीयत नहीं सही लग रही है आज, मेरा भी पूरा शरीर में दर्द है और लग रहा है मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं ये बैठे हैं, रात के 9 बज गए, इनको खाना नहीं बनाने दे रहा है और गुजार रोटी बनाने के लिए इनको भी साथ में बैठाए हुए हैं, क्या करे, बहुत ही परेशान कर रहा था, अब काम भी नहीं कर पा रहे और मेरी भी तबीयत नहीं सही लग रही है, हमको भी लग रहा कि फीवर है, अब इनको लेके यहाँ बैठे सब काम कर रहे हैं। देखिए नहीं आप कुछ नहीं छुओ, हाथ भी 8 बजे जाएगा तुम्हारे, लो। अरे नहीं ऐसे परेशान कर रहा है, रोटी बना ले रहे अभी, सब्जी का कुछ पता नहीं है क्या बनाना, सोचे थे घुइया बना लेंगे उबाल करके लेकिन अभी यही बना रहे हैं। ये चिड़चिड़ा भी बहुत हो गया है, तो फ्रेंड्स हम खाना नहीं बना रहे हैं अभी, रोटी छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत रो रहा है, अभी बच गया गैस शून्य से बच गया है, गरम गरम था तो इसलिए खाना भी नहीं बनाएंगे, अब हम जा रहे हैं इनको पहले सुलाएंगे फिर खाना बनाएंगे, हाथ का बहुत बच गया अभी तुरंत हाथ डाल दिया गैस पे तो सारा सब फैला, ये देखिए ऐसे रोटी इधर फैली है और सारा परात वगैरह सब फैला है, हम ढक के जा रहे हैं इनको ऊपर रूम में सुलाएंगे, सो जाएंगे तो हम खाना बनाएंगे और रात के बज रहे हैं 9:30। इस तरह हम काम करते हैं इनको लेके, समझ नहीं पाता कैसे करें, चलिए फिर भी बाद में बोलते हैं इनको, ले खाना सबसे ढक दे रहे हैं और हम बनाएंगे खाना बाद में, हम इनको सुलाने के बाद फिर नीचे आएंगे फिर हम उसे मिलते हैं। देखिए कई बजे हम आज खाना बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स घड़ी में बज गए 10 और ये लड़का सोया नहीं है और ये देखिए जो हाथ में इनकी जो पट्टी बंधा था वो खोल दिया है और पट्टी जो है यहाँ फेंक दिया है, बहुत परेशान किया, पता नहीं क्यों मेरा मन भी नहीं लग रहा है। ये देखिए दवा लगाए थे पूरा, ये कहाँ देखिए कितना अभी खाओ इसके हाथ में खाओ है, ये देखिए और ये भी बहुत परेशान किया है, अब ये भी नीचे नहीं जा पाया ना सोया, ये देखिए आज ही खाना बनना था,
और ये इसकी पट्टी उट्टी पूरा निकाल दिए, दवा ववा निकाल दिए, ये इसका पूरा हाथ भी पक ही रहा है, घाव भी ज़्यादा है। वो क्या था, लोहे का बाहर का गेट है, वहीं उसी में हाथ रखा था, बहुत तेज दब गया था। तो श्रीराम हॉस्पिटल ले गए थे, दो दिन का ड्रेसिंग करवाए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी, इन बच्चों को लेके जाने वाला भी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे पट्टी कर रहे थे इनका, लेकिन ये निकाल दिए हैं। इसकी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो ये चिड़चिड़ापन हो गया इसके अंदर, छोड़ भी नहीं रहा हमको एक मिनट ये। और अभी गैस छूने से बचा, ये बच गया, हल्का सा छुआ था गैस लेकिन बच गया। ये देखिए, ये हमको लग रहा है अपने पापा को याद कर रहा है, अब ज़्यादा परेशान इसलिए कर रहा है। वैसे हम इतना परेशान नहीं करता है, हम काम वाम भी कर लेते हैं, लेकिन दो दिन से जो है बहुत परेशान कर रहा है ये। नहीं, कृष्णा किसी के पास भी नहीं जा रहा कि उन लोग बच्चे संभाल ले, किसी के पास नहीं जा रहा है, खाली हम इनके सामने बैठ रहे हैं बस। लो बांधे इतना तो सबको, कैसे हाथ लगा तुम्हारा। चलिए फिर देखते खाना कब बनता है, घड़ी में बज रहे हैं 10। ना को दूध रोटी दिए, सब्जी हम नहीं बना पाए हैं इस समय, दो रोटी ये दूध है। मेरे बाबू की भी तबीयत खराब, इसको भी फीवर है। देखिए बोलो बेटा, बोलो जरा, गला भी इसका बैठा है। आज हम खाना भी नहीं बनाए। तो फ्रेंड्स, हम खाना नहीं बनाया है, हमने खाना नहीं बनाया है, वही रोटी बनाए थे। मम्मी पापा को दूध रोटी दे दी है, कृष्णा को दे दी है। ये देखिए रात के बज रहे हैं 11, किचन हमारा साफ हो गया, कुछ रो रहा आवाज भी आ रही होगी। और ये चाय पे जा रहे हैं और दवा लेंगे, पैरासिटामॉल रखा है वही दवा। हाँ आ रहे हैं, मेरी भी तबीयत देख रही है, बहुत परेशान है, ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए इनको आप लोग माफ कर दीजिएगा, ब्लॉग टाइम पे नहीं सही से कर पा रहे हैं, तो फिर भी हमारे से नहीं हो पा रहा, बच्चा रो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। चाय पी ले रहे हैं हम, फिर क्या कहते हैं, चाय पीने के बाद जो है दवा खाएंगे, दवा से ही चाय ले रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, आज खाना भी नहीं खाएंगे, ना बनाए, मन भी नहीं हो रहा है। चलिए फिर हम आप लोग से मिलते हैं, अभी ऊपर रूम में कुछ बहुत रोना आवाज भी आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, बज गए हैं 12 और जो ये देखिए कुछ को भी सुलाए हैं, देखिए बड़ी मुश्किल से सोया है, बहुत रो रहा था, अब हम भी थक गए हैं, हमको भी क्या कहते हैं थकान बहुत लग रही है, दवा भी लिए हैं और क्या कहते हैं दवा लिए हैं। अब अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं हम आप लोगों से, मुझे माफ़ करिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और कुछ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वीडियो सही बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, बस मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जा रहा है। अब मैं आप लोग से विदा ले रही हूँ।